नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगा भारत। भारत और फ्रांस के बीच राफेल विमान को लेकर शुक्रवार को समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगा। 7.878 अरब यूरो यानी लगभग 59,000 करोड़ रुपए के इस सौदे पर फ्रांस के रक्षा मंत्री जाजीन यीव्स ली ड्रियन और भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने हस्ताक्षर किए। पहले दोनों देशों में 18 विमान का सौदा हुआ था, लेकिन अब भारत फ्रांस से 36 विमान लेने वाला है। अदालत का सुब्रत राय की पैरोल बढ़ाने से इनकार, जाना होगा जेल। सहारा समूह द्वारा संपत्ति की गलत जानकारी देने से नाराज उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने समूह के दो अन्य निदेशकों को भी पैरोल रद्द कर दी। सेबी ने न्यायालय को बताया कि सहारा समूह द्वारा नीलामी के लिए सौंपी गई अधिकतर संपत्तियों को आयकर विभाग कर चुका है, ऐसी संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। असम में मुठभेड़, केपीएलटी के 6 उग्रवादी ढेर। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में बीती रात सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स के कम 6 उग्रवादी मारे गए और सेना का एक जवान घायल हो गया। मारे गए उग्रवादियों में से दो इस समूह के शीर्ष नेता थे। पुलिस अधीक्षक देवोजीत देवरी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर बोकाजन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाके बानी पाथर में अभियान शुरू किया था। पाक में हिंदू नेता को असेंबली की सदस्यता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सरदार सूरन सिंह की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए पेशावर की एक जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता बलदेव कुमार ने प्रांतीय असेंबली के स्पीकर असद कैसर द्वारा सदस्यता की शपथ दिलाने से इनकार करने के बाद अदालत का रुख करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अप्रैल में सिंह की हत्या के बाद खाली हुई आरक्षित सीट पर कुमार को निर्वाचित घोषित किया। जम्मू में सीमा के पास पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट एक गांव से शुक्रवार को एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यहां बताया कि परागबल के राजपुरा गांव में सीमा चौकी संख्या 21 से सीमा सुरक्षा बल ने सुबह एक पाकिस्तानी नागरिक कयूम को गिरफ्तार किया। वह पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है, उसे पूछताछ की जा रही है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।